हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली एक कोरियन मेकअप लुक। मुझे इसे करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई होप कि आप लोग को भी इसे देखने में मज़ा आएगा कि मैंने इसे कैसे क्रिएट किया है। कोरियन मेकअप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्किन केयर, तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर ले रही हूँ शहनाज हुसैन का टोनर। इसे मैं अपने चेहरे पर अच्छे से स्प्रे कर लूँगी। उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अपने चेहरे पर डैब करूँगी ताकि जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट हो वो ब्यूटी ब्लेंडर में एब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र। ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है। अगर आप मेरी वीडियोस बहुत पहले से देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है। मैं इसे यूज़ करती हूँ हमेशा और ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर देता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से स्मूथ कर देता है। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ हिमालय का लिप बाम। एक बहुत अच्छा लिप बाम है, ये आपके लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर देता है और ये भी अगेन मेरा बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है। इसके बाद मैं एक स्पूली की हेल्प से अपने आईब्रोज़ को कोम कर लूँगी। वैसे तो कोरियन के आईब्रोज़ स्ट्रेट होते हैं बट मेरे आईब्रोज़ स्ट्रेट नहीं है और मेरे आईब्रोज में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है तो शायद ये थोड़े डिफरेंट लगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन। ये एक मैट फिनिश फाउंडेशन है बट आप कोशिश करें कि आप एक ड्यूई काइंड ऑफ फाउंडेशन ले ताकि आपकी स्किन ग्लो करे, बट मेरे पास नहीं था तो मैंने इसी से काम चला लिया। तो मैं इसे अभी डॉटेड फॉर्म में अपने फेस पर अप्लाई करी। उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने फेस पर। अपने फाउंडेशन को आप अच्छे से ब्लेंड करिए क्योंकि ब्लेंडिंग से ही आपके मेकअप आपका बेस फ्लॉलेस लगता है, तो इसे अच्छे से ब्लेंड करिए। इसके बाद हम लोग करेंगे अपना आई मेकअप। तो कोरियंस के आई मेकअप ज़्यादातर पीच या फिर न्यूट कलर के होते हैं, तो मैं यहाँ पे एक पीच कलर को अपने आउटर कॉर्नर पर लगा रही हूँ। ये थोड़ा सा ऑरेंजिश टोन में है तो आउटर कॉर्नर पर मैं इस शेड को लगा रही हूँ। उसके बाद मैं इससे थोड़ा सा लाइट शेड को अपने इनर कॉर्नर पर लगा रही हूँ। तो ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और आई थिंक मैं इसे और बार भी यूज़ करूं। इसके बाद मैं उसी ऑरेंजी शेड को, पीच काइंड ऑफ ऑरेंजी शेड को अपने आउटर कॉर्नर पर और उससे लाइट शेड को अपने इनर कॉर्नर के लोअर लैश लाइन पर लगाऊंगी। इसके बाद हम लोग करेंगे छोटा सा जादू और इससे हमारा हो जाएगा दूसरे आई में भी आई मेकअप। तो इसके बाद हम लोग लगाएंगे एलिटीन का आईलाइनर। तो कोरियंस के आईलाइनर ज़्यादातर स्ट्रेट होता है बट मैंने भी स्ट्रेट लगाने की कोशिश की, उसके बाद मुझे पता नहीं क्या सूझा और मैंने एक छोटा सा विंग बना दिया उसी का। तो आप लोग लेकिन कोशिश करना कि आप भी स्ट्रेट आईलाइनर ही लगाओ, वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो मुझे ये भी आईलाइनर अच्छा ही लग रहा है। उसके बाद हम लोग करेंगे फिर से एक जादू और हमारा हो जाएगा दूसरा आईलाइनर भी डन। तो हमारा आई मेकअप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और हाँ, ये कोरियन जैसा लग रहा है। उसके बाद गलती से मैंने ब्लश और कॉन्टोरिंग का वीडियो डिलीट कर दिया, इसलिए उसका क्लिप नहीं है अभी वीडियो में, तो उसके लिए सॉरी। तो अब हम लोग करेंगे अब हम लोग अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे हाइलाइटर। हम लोग अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे लगाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक आईलैश कर्लर, उसकी हेल्प से मैं अपने लैशेस को कर्ल कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन दी हाइपर कर्ल मस्कारा और इसे भी अपने लैशेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। तो अब हमारा एक लास्ट स्टेप बचा है और वो है लिपस्टिक। तो कोरियंस के लिप्स बहुत ही नेचुरल लगते हैं बट हाँ, उनमें भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाते हैं वो भी। तो सबसे पहले हम लोग लिप्स के मिडल पे लगाएंगे एक रेड कलर का शेड। उसके बाद हम एक ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और थोड़ा सा फाउंडेशन लेंगे। उसके बाद हम अपने हैंड्स पे उसे डैप करेंगे और ब्लेंड करेंगे ताकि थोड़ा सा प्रोडक्ट ब्यूटी ब्लेंडर में लग जाए और उसके बाद उसी प्रोडक्ट को उसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम अपने लिप्स पर उसे डैप करेंगे कुछ इस तरीके से लिप्स को रख के। उसके बाद एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से हम इसे मिडिल वाले लिप शेड को पूरे लिप्स पे स्प्रेड कर देंगे और हमारा उसी टाइप का कोरियन टाइप का ही लिप शेड तैयार हो जाएगा। तो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक मी एंड माय कंटेंट देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप मुझे कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हो देन कमेंट बिलो। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।